राजगंज थाना क्षेत्र के धावा चिता ओवरब्रिज के ऊपर मुख्य मार्ग पर टैंकर डिवाइडर से टकराई, जिसमें टैंकर चालक घायल हो गए। टैंकर चालक घनश्याम यादव बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। घायल अवस्था में राजगंज स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल घनश्याम का सर फट गया। टैंकर कार को बचाने के क्रम में डिवाइडर से टकराई, जिससे घटना घटी। टैंकर संख्या UP7280 उत्तर प्रदेश से हल्दिया जा रहा था, तभी राजगंज धावा चिता ओवरब्रिज के ऊपर मुख्य मार्ग पर घटना घटी। टैंकर चालक जौनपुर बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी है। टैंकर में भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ था। टैंकर को क्रेन के माध्यम से डिवाइडर से निकाला गया। टैंकर में अगर पेट्रोल होती तो बड़ी घटना घटने की संभावना थी। पुलिस टैंकर को अपने कब्जे में ले ली है। वाले हमको ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के बाद वो दाहिने घीच के थोड़ा ब्रेक ले लिया। उसके बाद हम अपना गाड़ी उसको बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर खींच दिए। हमारी गाड़ी डिवाइडर पर चली गई, उसके बाद वो फिर भाग गया। जिससे डिवाइडर से टकरा गई गाड़ी, डिवाइडर में टकरा गई गाड़ी, उसके बाद वो भाग गया। ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? हम आ रहे थे लखीमपुर, यहाँ जौनपुर से। और कहाँ जा रहे थे? हल्दिया। गाड़ी में पेट्रोल भी था क्या? नहीं, खाली गाड़ी है, जा रहे हैं लोड करने के लिए। क्या नाम है आपका? घनश्याम यादव। कहाँ के रहने वाले? बलिया जिला उत्तर प्रदेश। कितने बजे ये घटना घटी? वही 5-5:30 बजे के बीच में हुआ था सर।